हेलो बच्चों, इस चैप्टर की या ये जो चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स में, इसकी पहले पार्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। नितिन के पाठशाला में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, और इनमें जो इंटरमीडिएट्स है वो क्या रहेगा आपका, इनोलेट्स। तो आपके सिलेबस में ऐसे दो कंपाउंड्स हैं जो कि इनोलेट्स फॉर्म करेंगे, और उन दोनों कंपाउंड से आप सेवरल कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने वाले हैं, राइट। और इसमें जो मेजर रोल रहेगा वो आपका कीटो इनोल टोटोमिज्म का रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। वो सब क्या है वन बाय वन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहले हम बात करें कि आपने ये वर्ड सुना होगा, फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी है। और इनकी जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, एक तो है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और कोई कंपाउंड ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मोस्ट इजीली प्रोवाइड नहीं करता, बट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू प्रोवाइड यू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। नाउ व्हाट इज द सेकेंड वन? सेकेंड वन इज द अल्फा हाइड्रोजन्स, यानी कि एसिडिक नेचर। सो कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स में कॉमन क्या है आपका, सीओ ग्रुप। नाउ दिस सीओ ग्रुप दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करता है। सो दैट्स वाई दिस सीओ ग्रुप विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द नेबरिंग कार्बन एटम, अपनी तरफ खींचेगा। तो अब जो अल्फा पे कार्बन है, नाउ दैट विल एब्स्ट्रैक्ट द डेंसिटी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन्स, क्लियर है। सो दैट्स वाई दिस हाइड्रोजन कुड बी इजिली रिमूव्ड आउट एंड ओवरऑल देर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स, क्लियर है। बेसिक सा कंसेप्ट है कि वाई वी आर डिस्कसिंग हेयर द कंसेप्ट ऑफ एसिडिक नेचर एंड अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो दो करेक्टरिस्टिक्स थी कीटोन्स की, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें कि जो सिंपल एल्डिहाइड्स कीटोन्स है वो इतने भी ज़्यादा एसिडिक नहीं होते। आप देख सकते हैं पी के ए वैल्यू कितनी है आपकी, 19 से 20, बहुत ज़्यादा है। और जितनी ज़्यादा पी के ए वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी कम रहेगी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर कम रहेगा। नाउ कंसेप्ट पे आते हैं, जो हमारा पहला मेन कंसेप्ट है द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वाई अल्फा हाइड्रोजन्स आर इजिली रिमूव्ड एंड वाई देर इज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स, ठीक है। इनोलेट्स क्या है आपके, बेसिकली देखिए दो, एक तो वर्ड है इन और एक वर्ड है ओल। इन डिनोट करता है सी डबल बोन सी को, एंड ओल डिनोट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। एंड दिस वर्ड इज यूज मेनली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द एनाइंस। एनाइंस के लिए आपके पास ये वर्ड यूज किया जाता है, राइट। सो एनी सब्सटेंस विच इज हैविंग बोथ सी डबल बॉन्ड सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ऑल्सो, दैट इज कैटेगराइज अंडर द कैटेगरी ऑफ इनोलेट्स, ठीक है। सो क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम वन बाय वन। देखिए, दिस इज द सिंपल एल्डिहाइड कीटोन्स, राइट। सीओ ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन वाले को हम कहते हैं अल्फा। सो अल्फा पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है। बेस क्या करेगा, बेस उस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज ओवर द ऑक्सीजन एटम ऑल्सो, राइट। सो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हो जाती है इनहांस, याद रहेगा, ओके। सो दैट्स वाई दिस कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स डिस्कस दीज टू स्ट्रक्चर्स वन बाय वन। आपके पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पे बताना है कि इनमें से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, क्योंकि देखिए रेजोनेंस आप जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है दैट इज कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर। इन एक्चुअल आपका कहीं ना कहीं बीच का स्ट्रक्चर होता है, जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म्स है।
तो ये दो कैनोनिकल फॉर्म्स आपके सामने प्रोवाइडेड है, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होना चाहिए। देखिए यदि फर्स्ट वन की बात करें तो जो आपका CO ग्रुप है उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, राइट। सो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रोंगर, सो इस हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जबकि सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, सेकेंड मॉलिक्यूल की, यहाँ पे क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज हेल्ड बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। रेजोनेंस का एक रूल ये भी कहता था कि यदि आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होल्ड कर रहा है देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट कैनोनिकल फॉर्म विल बी मच मोर, राइट। सो दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर टू कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, इट मेक्स द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑक्सीजन कैन बेटर अकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज। सो कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा, दिस वन, ठीक है। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड आपकी रहेगी दिस वन, क्लियर है। नाउ दैट इज द इनोलेट, राइट, इनोलेट है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देर आर टू नेगेटिव चार्ज सेंटर्स, राइट। ऑक्सीजन पे भी समवट नेगेटिव चार्ज है और समवट नेगेटिव चार्ज आपका कार्बन पे है। सो नाउ इफ देर इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, एच पॉजिटिव आपने ऐड कर दिया, नाउ हु विल कैप्चर दैट। इफ ऑक्सीजन कैप्चर द हाइड्रोजन आयन देन कीटो फॉर्म विल बी फॉर्म्ड, कीटो फॉर्म, सॉरी उल्टा कह दिया, यदि ऑक्सीजन कैप्चर कर रहा है तो हम कहेंगे इनोल फॉर्म, राइट, और यदि कार्बन कैप्चर कर रहा है तब हम कहेंगे कीटो फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास इनोलेट आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि कार्बन ने हाइड्रोजन को कैप्चर किया है तो ये देख सकते हैं दिस वन, सो दैट इज द कीटो फॉर्म। व्हाई, बिकॉज CO ग्रुप इज इंटैक्ट, याद रहेगा। नाउ इफ ऑक्सीजन कैप्चर्स द हाइड्रोजन बॉन्ड इन दैट सिनेरियो इनोल फॉर्म विल बी दिस वन, क्यों, क्योंकि इन वर्ड है, ओल वर्ड है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इनोल। सो नाउ दिस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कॉज्ड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म। आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कहाँ डिफरेंस है, डिफरेंस ये है, ये हाइड्रोजन यदि आप वन टू थर्ड पोजीशन पर यदि आप शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से आपने उठाकर लेट्स सपोज यहाँ रख दिया और रीशफलिंग कर दी बोन्स की, तो आपको कौन सी फॉर्म मिल जाएगी, कीटो फॉर्म। सो दैट्स व्हाई दिस कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए 1,3 टोटोमराइजेशन, ठीक है। और ये किससे बनते हैं, इनोलेट से, राइट। अब बात करते हैं कि एसिडिक नेचर का कहाँ पे रोल है, राइट। जहाँ पे देखिए एल्डिहाइड्स कीटोन्स के केस में मैंने आपको बताया था कि यूजुअली एल्डिहाइड कीटोन्स के नेबरिंग कार्बन पर यानी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एसिडिक होता है, लेकिन उसकी pKa वैल्यू कितनी थी, 19 to 20, आपको दिखाया था ना। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वीक एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई दीज कंपाउंड्स दे कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू देयर इनोलेट साइन इन हाई कंसेंट्रेशन बाय द रिएक्शन विद बेसिस, सो बिकॉज दे आर वेरी वीक एसिड्स, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर लेस, इवन लेस एसिडिक देन वाटर एंड एल्कोहल्स, एसिडिक नेचर इनका काफ़ी वीक है, राइट। तो रीज़न क्या है, वाई इट्स सो, तो रीज़न लाइज इन द रिवर्सिबल कंडीशंस। इन द केस ऑफ कीटोन्स एस्टर जहाँ पे CO ग्रुप अवेलेबल है, इन दोज केसेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज फार टुवर्ड्स द रिएक्टेंट। आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, न कि प्रोडक्ट में। तो इनोल की कंसंट्रेशन होगी कम, इनोलेट की, राइट। सो इनोलेट यदि आपका कम बन रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस एसीटोन विल बी बिहेविंग एज अ वीक एसिड, इज क्लियर ना। नाउ सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेजर पोर्शन जंक कहाँ लाई कर रहा है, आपका रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दैट इज द रीजन व्हाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर लेस एसिडिक और दे आर वीक एसिड, राइट। एंड इन ऑर्डर टू फॉर्म द सफिशेंट अमाउंट ऑफ इनोलेट स्ट्रोंगर बेसिस आर रिक्वायर्ड लाइक सोडियम अमाइड, आप देख सकते हैं सोडियम अमाइड है, स्ट्रोंगर बेस है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट कर रहा है इसको कहाँ पर, इस वन,
ठीक है, इनोलेट में। अब यहाँ पे नोटेबल पॉइंट क्या है कि किसी भी एसीटोन में, लेट सपोज ये है आपका एसीटोन होता या एस्टर लगा लीजिए, ये हाइड्रोजन है ना, तो इस हाइड्रोजन की जगह यदि आप एक और सीओ ग्रुप लगा दें, सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, रिजल्ट आपका रहेगा ये देख सकते हैं, आपने COCH3 ग्रुप लगा दिया CH3 पे। नाउ दिस CH2 ग्रुप जो कि इन बिटवीन है, दैट इज फ्लैंक्ड बाय टू CO ग्रुप, दो CO ग्रुप के बीच में है, एंड दिस बोथ CO ग्रुप विल एब्स्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर इसका बहुत हो जाएगा ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं pKa वैल्यू 9 के अराउंड है, स्ट्रोंगर है कंपेरेटिवली, राइट। सो इवन द माइल्ड बेसिस दे कैन एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन फ्रॉम दिस CH2, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। एंड इनोल कैसे बनेगा आपका, इनोल के लिए आपके पास रहेगा, देखिए यहाँ से यदि आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो CH नेगेटिव चार्ज आया, नाउ दिस CH नेगेटिव विल बी डिलोकलाइज ओवर द ऑक्सीजन एटम्स, आप देख सकते हैं देर आर 3 कैनोनिकल फॉर्म्स, राइट, वन इज दिस वन, दिस इज मीडियम वन, रीशफलिंग हुई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज गया इन दिस वे एंड द सिमिलर वे, सो 3 स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड। कीटोन्स एल्डिहाइड के केस में आपको 2 स्ट्रक्चर्स मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर्स है, तो रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं दिस इनोलेट इज मच मोर स्टेबल, एंड दैट इज द रीज़न वाई दीज कीटोन्स और दीज एसिटाइल एसिटोन्स बिहेव्ड एज ए स्ट्रोंगर एसिड, राइट। नाउ दिस इज द टेबल, आप देख सकते हैं इथाइल एसिटेट कंपाउंड है आपके पास, pKa वैल्यू कितनी आई है 25, रीजन मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ, नाउ दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली एसीटोन की बात करें, इन द केस ऑफ एसीटोन्स ऑल्सो द pKa वैल्यू इज मच हायर, राइट। अब आता है ये जो मॉलिक्यूल है ना आपका, एग्जाम पॉइंट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डाई इथाइल मेलोनेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दिस होल चैप्टर इज बाइफर्केटेड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज द मेलोनिक एस्टर, वन इज द एसिटो एसिडिक एस्टर, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो है स्ट्रक्चर ये, तो आगे जब हम सिंथेसिस देखेंगे मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, तो उसमें हम क्लियरली बताएंगे आपको कि ये कैसे स्ट्रक्चर है। वैल्यू देख सकते हैं 13 है, जितनी कम pKa वैल्यू है उतना स्ट्रोंगर आपका एसिड रहेगा, और इथाइल एसिटो एसिटेट दिस इज द सेकेंड मोलिक्यूल, इसकी वैल्यू क्या है pKa 11, राइट। सो स्ट्रोंगर एसिड है कंपेरेटिवली, राइट। तो ये आपके पास थे, तो जो नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, ये है आपका मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो, इशू हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं, साथ ही अपना मन लगा के पढ़ाई करें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे फिर, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।